प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हमारे एक व्यूअर्स थे जिन्होंने कमेंट किया है और ये जानना चाहा है कि क्योंकि मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर की क्लास कैसे स्टार्ट करें और कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें और कैसे जो है नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। तो उसमें कई सारे लोगों ने जो है उसे देखा। उसके बाद इन स्टूडेंट का कहना है कि पेड क्लास कहाँ से लें सर सेमेस्टर के लिए। तो देखो, अगर आप सिविल के लिए हो, है ना, सिविल का स्टूडेंट हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर गेट या ईएससी का प्रिपरेशन के लिए, है ना, गेट या ईएससी का प्रिपरेशन के लिए आगे फ्यूचर अपना देख रहे हो कि नहीं, हम आगे आने वाले समय में गेट या ईएससी की तैयारी करेंगे, तो उस कंडीशन में गेट या ईएससी के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, 2 साल का, चाहे एन अकेडमी का हो, मेट जी का हो, गेट का हो, फिजिक्स वाला का हो, जिसका आपको मन करे उसका ले लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको गेट नहीं देना है, है ना, हम जो है बस सेमेस्टर पास करना चाहते हैं, उसके बाद बीटेक हमारे लिए एक हायर डिग्री का जो है स्कोप एक तरीके से जो आता है वो हमारा यहाँ पे बना रहे, तो उस कंडीशन में जो हमारा नोट्स है, है ना, इंजीनियर प्लस ऐप पे मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। लेक्चर जो है आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जो है जाकर देख सकते हो इससे रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे जो गेट का कोर्स मैंने बोला लेने के लिए, तो किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो आप ले सकते हो, लेकिन जो ऐप पे हमारा जो नोट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रिकल हैं तो आपके सेमेस्टर में बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स पढ़ना है, देन आपको हमारा ऐप हेल्प करेगा, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आपको हमारा चैनल पे वीडियोस और जो नोट्स है ऐप पे वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको किसी और प्लेटफॉर्म जैसे फॉर्मुलेटर हो गया, टेक्नो हेराल्ड हो गया, और मेनी सो मोर कई सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कि आपको खुद से पता करना होगा। ऐसे यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको जो है मिल जाएगा, और सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके लाइब्रेरी में भी जो है बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, तो आप उस लाइब्रेरी के बुक्स को लेकर जो है पढ़ाई कर सकते हो। गाइड्स भी आपको आते हैं, जैसे आदित्य का आता है, है ना, जो ऑर्गेनाइज़र होता है, और एक नया क्वेश्चन बैंक का एक आता है टेक्निकल सीरीज़ के नाम से, तो उस बुक को भी जो है प्रीफर कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। रही बात पेड क्लासेस लेने की, तो आप अपने अनुसार कहीं से भी ले सकते हो। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी मैं गाइड कर सकूँ कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए सही हो सकता है आपके सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए। मैं कोशिश करूँगा अपने टीम मेम्बर से कनेक्ट करने के लिए और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कि इस चीज़ों में आगे बढ़े हैं या पढ़ा रहे हैं उन लोगों को। तो मेरा जो चैनल है मेनली सिविल को ही हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का आपका हेल्प होगा, बट अदर देन सिविल हैं तो कुछ पेपर अगर आपको कॉमन है सिविल के, जैसे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो वो हेल्प करेगा, अदरवाइज़ और हेल्प नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी मैं हेल्प कर पाऊँ, हमारी टीम हेल्प कर पाए, तो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और हमें मतलब एक खुशी महसूस होता है कि नहीं, जब लोगों को हेल्प किया जाता है तो, है ना, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद ही है कि लोगों को एफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज की इस वीडियोज़ में कई सारे लोग जब बीटेक थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन करवाएँ जो एली से गए हैं उन लोगों का, या फिर जो रेगुलर्स में हैं, मतलब बीटेक थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो इंटर्नशिप की बात आती है, है ना। इंटर्नशिप कहाँ से करें, इंटर्नशिप कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा वैलिड होगा, कौन सा वैलिड नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। तो देखो, इंटर्नशिप आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आपका जो
कॉलेज है वो ऑफलाइन करने के लिए अलाउ करता है तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। ये कॉलेज अलाउ तब करता है जब ऊपर से यानी DST के तरफ से ऑर्डर आता है या यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑर्डर आता है कि नहीं आप जो इंटर्नशिप है ये आप ऑनलाइन करवाइए या ऑफलाइन करवाइए, जो दोनों में से जो भी ऑर्डर आता है उसके अनुसार कॉलेज करवाते हैं। तो अगर आपका ऑनलाइन करना है ना ट्रेनिंग या ऑफलाइन ही ट्रेनिंग करनी है और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करनी है, तो हमारा एक मित्र है ना उसके द्वारा एक इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, ठीक है, गया में, तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एक इफ़ेक्टिव प्राइस में भी लगेगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, एक इफ़ेक्टिव प्राइस में आपको सर्टिफिकेशंस प्रॉपर मिलेंगे जो कि आपके कॉलेज में वैलिड होंगे, ओके, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो आपको अगर इंटर्नशिप करना होगा तो एक मैं एक पार्टिकुलर वीडियोस आपको मैं उसके बारे में डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है समझ सकें और अपने दोस्तों को भी बता सकें। खासकर अगर आप गया के आसपास के लोग हैं तो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, ऐसे ऑनलाइन भी वो शायद ट्रेनिंग करवाएगा, मैं उसके बारे में डिटेल मैं बोला तो मैं डिटेल उसके बारे में बता दूंगा, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, ओके।